Launching in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, launch! दोस्तों हमारा रॉकेट सक्सेसफुली आसमान में लॉन्च हो चुका है और पैराशूट की हेल्प से सक्सेसफुली लैंड भी हो चुका है। और अभी वीडियो को छोड़ के मत जाइए क्योंकि अभी इसको बनाने का ट्यूटोरियल अभी बचा हुआ है, तो मिलते हैं इस ट्यूटोरियल के बाद। तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि मैंने इसको बनाया कैसे था। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी एक पीवीसी पाइप, और सबसे पहले पीवीसी पाइप में हम मार्किंग कर लेते हैं कि हम इसमें कितना क्या भरेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ तक इसमें भरेंगे क्ले। क्ले के तौर पर आप कोई भी मिट्टी या फिर एमसील का यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ से हम इसमें यहाँ तक भरेंगे फ्यूल। अभी फ्यूल भी मैं आपको बनाकर बताऊँगा। और इसमें यहाँ तक भरेंगे हम क्ले, और यहाँ तक हम इसमें क्ले इसलिए भरेंगे क्योंकि हमें इसके ऊपर थोड़ी सी जगह रखनी है। और हमें इसमें जगह क्यों रखनी है वो मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। और फ्यूल बनाने के लिए आपको चाहिए होगा यहाँ पर एक पिसी हुई चीनी और ये पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट आपको किसी भी किराने की दुकान से मिल जाएगा, और ये आपको किसी भी किराने की दुकान से कलमी शोरे के नाम से मिलेगा। और आपको पोटेशियम नाइट्रेट को पीस लेना है और चीनी को भी, पर ये ध्यान रखें आपको इन दोनों में से किसी को भी एक साथ नहीं पीसना है, नहीं तो ये ब्लास्ट भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको हम कर लेंगे साइड में। लेंगे एक प्लेट, और प्लेट में हम डालेंगे 5 चम्मच पोटेशियम नाइट्रेट के, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच। हमने इसमें 5 चम्मच पोटेशियम नाइट्रेट के डाली हैं। और अब हम इस 5 चम्मच पोटेशियम नाइट्रेट में मिक्स करेंगे 3 चम्मच चीनी, ये एक, ये पिसी हुई चीनी है, ये दो और ये तीन। और आपको इसकी क्वांटिटी बिल्कुल इतनी ही रखनी है। और अगर आप ज़्यादा रॉकेट बनाना चाहते हैं या फिर बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको इसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी है बस। और अब हम इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको इसको जितने अच्छे से मिक्स करेंगे आप इसको, ये उतने ही अच्छे से क्रश देगा। तो मिलते हैं इसके मिक्स करने के बाद। पर बन चुका है, और अब मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ कि हमारा फ्यूल यहाँ पर वर्क करता भी है या नहीं। तो चलिए करते हैं पहले इस फ्यूल की टेस्टिंग, फिर मैं बनाना सिखाऊंगा इसे रॉकेट। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना थोड़ा सा फ्यूल टेस्टिंग के लिए रख लिया, और अब मैं लगाऊंगा इसमें आग। देखते हैं ये काम करता है या फिर नहीं। तो दोस्तों अभी हम लेंगे अपनी पाइप और थोड़ी सी मिट्टी। आप कोई भी मिट्टी ले सकते हैं, और अगर आपको मिट्टी नहीं लेनी है तो आप एम सील भी ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से लेंगे थोड़ी सी मिट्टी और डाल देंगे इस पाइप में, थोड़ी सी और डाल देंगे और बाकी को साइड में। और अब आपको कोई भी चीज लेनी है जो इसमें फिट हो जाए। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक मार्कर, और अब हम इस मिट्टी को अच्छे से दबा के इसको उस साइड से अच्छे से बंद कर देंगे। और आपको इसको अच्छे से दबाना, नहीं तो आपका रॉकेट उड़ने की जगह फट जाएगा। यहाँ पर हमारी मिट्टी अच्छे से बंद हो चुकी है, और अब हम क्या करेंगे, इसमें भरेंगे अपना फ्यूल। तो मैं यहाँ पर भरता हूँ अब इसमें फ्यूल, और अब हम इसको दबा लेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा और भी फ्यूल भरेगा।
इतना काफी। यहाँ पर हमें इससे ज़्यादा फ्यूल इसके अंदर नहीं भरना है, क्योंकि हमें इसके ऊपर और भी कुछ डालना है। तो दोस्तों अभी हमें बनाना है एक और फ्यूल, और एक और फ्यूल बनाने के लिए आपको चाहिए होगा पोटेशियम नाइट्रेट, शुगर, ये दोनों तो सेम है, पर आपको इसके साथ ऐड करनी है एक और चीज़, वो है ये बेकिंग पाउडर। तो अब हम क्या करेंगे, इस बेकिंग पाउडर में हम नॉर्मल फ्यूल में, ये हमारा नॉर्मल फ्यूल है रॉकेट का, हम इसमें डाल लेंगे थोड़े से बेकिंग पाउडर को। आपको बेकिंग पाउडर ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना, नहीं तो आपका फ्यूल काम करना बंद कर देगा। यहाँ पर बेकिंग पाउडर इसके जलने की स्पीड को डिले करेगा, जिसकी वजह से हम इसमें पैराशूट इंजेक्शन सिस्टम लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारा बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले फ्यूल को भी डाल देंगे इसके ऊपर ही। और अब हम इसको दबा देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें मिट्टी, इसको ऊपर से बंद करने के लिए। और इसको भी दबा देंगे। थोड़ी सी और मिट्टी डालेंगे। अच्छे से दबा देंगे। और आपको इसको बंद अच्छे से करना है, नहीं तो आपका रॉकेट फट जाएगा। हमने इसको बंद कर दिया है, और अब हम इस साइड से इसमें करेंगे छेद, और आपको इसका छेद पूरा ऊपर तक करना है, क्योंकि हमें इसके सारे फ्यूल को एक साथ जलाना है, और हमें तभी इससे मैक्स थ्रस्ट मिलेगा। तो करते हैं इसमें छेद। हमने इसमें छेद भी कर दिया है, देख सकते हैं ये छेद मैंने पूरा यहाँ तक करा है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें इस साइड से भी एक छेद करना है, और आपको ये छेद सिर्फ फ्यूल तक ही करना है। जैसे ही आप फ्यूल पर पहुँच जाएंगे, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर छेद कर दिया है। और जब आप फ्यूल तक पहुंच जाएंगे, तब आपको आगे पता चल जाएगा कि आप फ्यूल तक पहुंच गए हैं। तो अब हमें इसमें डालना है एक गन पाउडर, ये आपको किसी भी माचिस में से निकाल सकते हैं या किसी भी पटाखे में से निकाल सकते हैं। ये हमारे पैराशूट को इंजेक्ट करने में मदद करेगा। हमने इसको भी डाल दिया है, इसको थोड़ा सा हिला देंगे और फिर इसको अच्छे से दबा देंगे। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे फ्यूल टैंक बिल्कुल रेडी है टेस्ट करने के लिए, तो करते हैं इसको टेस्ट। मैंने इसको ऊपर आसमान में तो लॉन्च नहीं करना है, इसलिए मैं इसको जलाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ एक नॉर्मल फ्यूज़ का। अगर मैंने इसको आसमान में लॉन्च करना होता तो मैं करता यूज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का, और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की वीडियो अगले ही हफ्ते आ रही है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो मैंने इसको आग लगा दी है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा रॉकेट फ्यूल बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, और हमारा पैराशूटिंग इंजेक्शन सिस्टम भी बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, और ऐसे वीडियोस आपको सिर्फ मेरे ही चैनल पर मिलेंगे, इसलिए कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।